राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय राज्य का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 6 दशकों से विश्वविद्यालय ने गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दीक्षांत समारोह में 76% बेटियां उपस्थित है। ये नारी के सशक्त होने का प्रतीक है। महिलाएं अब अबला नहीं सबला बन रही है। कुलपति उन्होंने मुझे सम्मानित किया था और आज हमें महंत राम सुंदर दास जी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, खुशी की बात यह है कि जितने भी आज दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं उसमें 76% महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा उपस्थिति उनकी, तो नारी शक्ति का भान आप लोगों ने कराया। और पहले कहावत थी कि नारी अबला है, अब ये आपकी उपस्थिति बता रही है आप अबला नहीं है सबला है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए। पहले मध्य प्रदेश के समय में छत्तीसगढ़ में केवल एक विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल, इस मायने में हम कह सकते हैं कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ का यही है। और यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हैं इसी विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल किए हैं। उसके बाद बहुत सारे विश्वविद्यालय खुले, जिसमें बस्तर है, सरगुजा है, बिलासपुर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खुले। और इस कार्यकाल में 2 विश्वविद्यालय हम लोगों ने प्रारंभ किया, उसमें शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ और दूसरा गांधी जी के 185वीं वर्षगांठ के अवसर पर महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय सांकरा पाटन दुर्ग। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास हो रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हमारे बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए एक अमूल्य धरोहर जैसा है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत से योगदान पूरे छत्तीसगढ़ को, देश को मिला है। आदरणीय साथियों, इस दौर में महाविद्यालयों के संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। बस्तर के मांचल हो, चाहे जसपुर हो, सरगुजा हो, जहाँ जहाँ अस्पतालें थी वहाँ सब महाविद्यालय हम लोगों ने खोले। मेडिकल कॉलेज भी, पहले छत्तीसगढ़ में केवल एक पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी चिकित्सा महाविद्यालय था, बाद में योगी जी आए तो सिम्स बिलासपुर उन्होंने खोला, फिर डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में राजनांदगांव और फिर बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, इस प्रकार से 4 खुले। इन 4 साल में 4 हमने कोरबा, कांकेर, महासमुंद और दुर्ग के एक चिकित्सा महाविद्यालय को हमने टेक ओवर किया, तो 4 तो अभी खुल गए और 4 हमने अभी बजट में शामिल किया है। तो इस प्रकार से 8 चिकित्सा महाविद्यालय हमने खोले। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने का आवश्यकता है और बहुत तेजी से हमारी सरकार ने काम किया है। शिक्षा एकमात्र माध्यम है जिससे आदमी को, व्यक्ति को विकास करने के, अपने सपनों को साकार करने के पूरी संभावनाएं होती है। और जो सपने बाल्यकाल में, जो सपने युवा काल में जो देखे रहते हैं उसे पूरा करने का अवसर मिलता है। इस दीक्षांत समारोह में हमारे प्रोफेसर राजन यहाँ उपस्थित हैं, जो APJ अब्दुल कलाम जी के निकटतम सहयोगी के रूप में उन्होंने काम किया है। और APJ अब्दुल कलाम जी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रहा है, क्योंकि DRDO के काम जगदलपुर में हैं, बस्तर में हैं। जब यहाँ राष्ट्रपति के रूप में वो आए
तो उन्होंने कहा मैं तो जगदलपुर के एक एक गलियों को साइकिल में घुमाऊं। तो बहुत करीब से मैंने बस्तर को देखा है, जगदलपुर को देखा है, छत्तीसगढ़ में निरंतर वो आते रहे और ऐसे महान व्यक्ति के साथ काम किए हुए प्रोफेसर राजन हमारे बीच में है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। मैं उसका स्वागत भी करता हूँ और उनके जो योगदान है उसे देश कभी नहीं भूलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, क्योंकि 3 साल बाद दीक्षांत समारोह हो रहा है, बहुत सारे लोगों को डिग्री बांटना है, बहुत लोगों को सम्मानित करना है और अभी मुख्य वक्ता को सुनना है और महामहिम राज्यपाल को सुनना है, इसलिए बहुत ज़्यादा और वक्त न लेते हुए आप सबको, जितने भी हमारे शोधार्थी हैं, प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर करीब 127 स्वर्ण पदक विजेता और 294 शोध उपाधि धारकों को आज सम्मानित किया जाएगा। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय इस दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता पद्मश्री डॉक्टर वाई